व्यवस्थाएं हैं, आप लोगों से लगातार हमारी बात भी होती रही है और आप लोग अवगत भी हैं, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों का मार्गदर्शन और सुझाव जो है हमारे लिए बड़ा बहुमूल्य होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसी भावना से मैंने आज निवेदन किया था कि आप लोगों के साथ एक औपचारिक वार्ता हो जाए और क्या बेहतर चीजें की जा सकती हैं जिससे पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और लोगों को भी ये विश्वास हो कि हाँ उनका ये जो मतगणना का कार्य रहा है, पूरा चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया रही है वो बहुत ही निष्पक्षता और पारदर्शी ढंग से की गई है। तो मैं आप लोगों का इसमें बहुमूल्य सुझाव चाहूँगा, यदि कोई भी चीजें ऐसी चीज कर दी जाए कि जिससे और इसमें पारदर्शिता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता को ज़्यादा लोगों तक कम्युनिकेट हो सके। और मोटी मोटी ये बात है कि आठों विधानसभाओं की काउंटिंग वही होनी है। इस बार हम लोगों ने ये किया है कि पिछली बार एक हाल में दो विधानसभाओं काउंटिंग हो रही थी, इस बार हमने एक विधानसभा में एक ही विधानसभा की काउंटिंग कराई, तो पर्याप्त स्पेस है, कंजेस्टेड नहीं है। उद्देश्य मात्र ये था कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए और उसी हाल में ETPVS पोस्टल बैलेट EVM की एक ही हाल में पूरी एक विधानसभा की काउंटिंग हो रही है। पूरी विधानसभा की काउंटिंग की प्रक्रिया को EVM का ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के स्ट्रांग रूम से लेकर के वहाँ तक मतगणना स्थल तक जाने, EVM ले जाना, सभी एजेंटों को अपने टेबल पे तक पहुँचने तक, काउंटिंग की प्रक्रिया, EVM सील करना, उसको ट्रांसपोर्ट करके फिर डबल रात में रखना, ये कल पूरा प्रक्रिया होगी। एक पूरा CCTV से कवरेज है, पूरी जो हमारी मतगणना है पूरी प्रक्रिया CCTV से कवरेज की जाएगी और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जो मुख्य मुख्य चीज़ें हो रही हैं वहाँ अलग से वीडियो कैमरा भी रखा जाए, क्योंकि एक डबल इंश्योर करने के लिए कि कहीं कोई लैग न हो, चूक न हो पाए, इसलिए हमने वीडियो कैमरे भी अलग से लगा रखे हैं हर जगह। कप्तान साहब, आपके हमारे लिए सभी हम लोगों ने जितने भी प्रत्याशी हैं उनको हम लोगों ने कम्युनिकेट कर दिया है कि 6 बजे हम लोग यहाँ से स्टांग हमारा जो डबल लॉक है फिजिकल, यहाँ से हम लोग पोस्टल बैलेट लेकर के हमारे रिटर्निंग अफसर वहाँ जाएंगे और उसके बाद 7 बजे हम लोग उनकी उपस्थिति में, यहाँ भी ये सारे एजेंट रहेंगे, सभी प्रत्याशी रहने के लिए हमने निवेदन कर लिया है, जाते समय साथ साथ जा सकते हैं। और जब हमारा स्ट्रांग रूम ओपन होगा तो सभी प्रत्याशी और उनके इलेक्शन एजेंट जो वहाँ सबको कम्युनिकेट कर दिया कि वो उस समय देख सकते हैं कि जो सील लगाई गई थी, जो उनके द्वारा बहुत सारे प्रत्याशियों ने अपने सील लगाई है, अपने हस्ताक्षर किए हैं वो लोग अपना चेक कर लें, उन्हीं के सामने स्ट्रांग रूम खोला जाएगा। सभी प्रत्याशियों को अपने मतगणना हॉल में उपस्थित रहने की अनुमति होगी, वो अपना हर टेबल पे जा करके, जो हम लोगों ने एक अच्छी व्यवस्था की है, वो अपना हर टेबल को जा करके वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम जो पूरा प्रोसेस होगा उसमें हम प्रयास करेंगे कि उस प्रक्रिया में सबके हस्ताक्षर हों, हमारे मतगणना सहायक के, मतगणना सुपरवाइजर के और जो एजेंट हैं उनके भी हर उस पर हस्ताक्षर हों, जिससे विश्वसनीयता बनी रहे, पारदर्शिता बनी रहे, उनको भी लगे कि हाँ जो काम दिया गया है वो नियमों के अंतर्गत हो रहा है। आप लोग अवगत ही हैं कि EVM में जो मतगणना है वो बिल्कुल पारदर्शी है, उसमें मैनुअल कुछ भी नहीं है, उसमें व्यक्ति के द्वारा कुछ नहीं किया सकता, लेकिन तब भी कैलकुलेट करने में इस प्रकार की जो सुविधाएँ हैं वो हम सभी को देंगे, जिससे लोग अपना कैलकुलेट करके खुद अपने रिजल्ट को एसेस कर सकें। किसी भी प्रकार के जुलूस पे इस प्रकार की कोई भी गैदरिंग को मनाही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भी कल वहाँ रहेंगे और मैं तो प्रयास ये करूँगा कि किसी भी स्तर पे किसी को कोई भी कंफ्यूजन न हो पाए, उसके लिए आप सभी का सहयोग और आपकी बात को लोग बड़ा विश्वास करते हैं। आप जब कहते हैं कोई चीज़ कि ये बात सही है, ये बात गलत है, तो मेरा ये निवेदन है कि आप लोग भी पूरी प्रक्रिया से परिचित हों, तभी आप दूसरे को उत्तर भी दे सकेंगे। कहीं कोई समस्या आ रही है तो आप उसको क्लेरिफाई भी कर सकते हैं, हमसे कर सकते हैं,
कप्तान साहब रहेंगे और सभी अधिकारी रहेंगे। कल आपके साथ हमने एक डिप्टी कलेक्टर मोहित जी को लगा रखा है आप लोगों के साथ, जो आपको समय समय से सारी सूचनाएं देते रहेंगे। आपको वहाँ बैठने की व्यवस्था है, टीवी के साथ ही साथ, मतलब मैंने प्रयास किया है, कहा है केडीएम साहब से कि वहाँ चार्जर वगैरह के लिए मतलब एक ये इंटरनेट कनेक्शन, चूंकि हम लोगों को फीड करना पड़ेगा ना, इसलिए टेलीफोन की भी व्यवस्था हमने वहाँ कर रखी है। तो हम लोगों ने माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में अपनी तैयारी पूर्ण कर ली है और हमें आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि कल हम लोग निष्पक्षता के साथ शांतिपूर्ण ढंग से विश्वसनीय पारदर्शी चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और कर हम लोग इस माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में इस कार्य को पूरी सजगता और ईमानदारी से करेंगे। कप्तान साहब हमारे बीच में, मैं